नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक कुमार एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अभी हम इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि पिछले किसी न किसी टेक्निकल एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, तो इनको अच्छी तरह से समझ कर इनको हल करें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें दिया हुआ है, यदि एक चालक 120 कूलाम का आवेश 60 सेकंड के लिए प्रवाहित होता है तो चालक में धारा, मतलब हमें करंट का मान निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता होना चाहिए करंट का जो फॉर्मूला होता है, I बराबर फॉर्मूला होता है Q बटा T, ये हमारा करंट का फॉर्मूला होता है, आप सभी को पता है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू दे रखी है, क्यू कितना दे रखा है, क्यू हमें दे रखा है 120, ठीक है दोस्तों, 120 कूलाम दे रखा है आवेश और टाइम दे रखा है नीचे हमें 60 सेकंड। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 2 एम्पियर हमारा करंट क्या है, फ्लो होगा, प्रवाहित होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी था जो कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर क्या है, हमें 3 बल्ब दे रखे हैं जो कि तीनों बल्ब को हमने पैरेलल के अंदर जोड़ रखा है और बल्ब की रेटिंग है 60 वाट का बल्ब है हमारा और इन तीनों को हमने दे रखी है सप्लाई 230 वोल्ट। मैं आपको कनेक्शन करके दिखाता हूँ, जैसे कि एक बल्ब हमारा ये है, ठीक है, दूसरा बल्ब मैं कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पर लगा दिया और तीसरा बल्ब मेरा कुछ इस तरह से यहाँ पर है, ठीक है दोस्तों। अब इन तीनों को जोड़ रखा है हमने पैरेलल के अंदर जोड़ा हुआ है। इन तीनों को पैरेलल में जोड़ने के बाद मैंने इन तीनों को दिया सप्लाई जो कि मेरी है 230 वोल्ट, मैंने इनको दी है सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। अब क्या है, जो इन सभी बल्ब की जो रेटिंग दे रखी है हमें, कितनी दे रखी है, 60 वाट का हमारा एक बल्ब है तो इनके सभी की 60 वाट हमें रेटिंग दी हुई है। इसमें क्या पूछा गया है, इफ़ वन बल्ब बर्न आउट, अगर यदि एक बल्ब हमारा जल जाए तो क्या होगा। आपको पता होना चाहिए क्या कंडीशन होगी, पैरेलल के अंदर क्या होता है, अगर हमारा एक बल्ब क्या है जल जाता है, बर्न आउट हो जाता है, तो बाकी दोनों बल्ब क्या रहेंगे, जलते रहेंगे, ठीक है, ये कंडीशन होती है पैरेलल की। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा जो आंसर बनेगा, आंसर होगा अन्य दो बल्ब प्रकाशित रहेंगे, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन डी है वो कि सही रहेगा। अगर हम सीरीज में ये कंडीशन ले कर चलते हैं, अगर हमारे पास ये तीन बल्ब है, इन तीनों बल्ब को हमने जोड़ रखा है सीरीज़ के अंदर, ठीक है, ये हमारा सीरीज़ में जोड़ रखा है और 230 वोल्ट हमने मान लीजिए सप्लाई दे रखी है, सप्लाई वोल्टेज। अब क्या है, अगर एक बल्ब हमारा ख़राब हो गया है तो क्या बाकी दोनों बल्ब में क्या कंडीशन होगी, तो बाकी दोनों बल्ब भी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, मतलब बंद हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, दो विद्युत संपर्कों के बीच में स्पार्किंग घटाने के लिए निम्नलिखित को निर्दिष्ट किया जा कराया जाता है, मतलब क्या है, हमारे पास दो आपको कॉन्टैक्ट दे रखे हैं, दो संपर्क दे रखे हैं, ठीक है, विद्युत संपर्क है, इनके बीच में मान लीजिए स्पार्किंग पैदा हो रही है, तो इस स्पार्किंग को कम करने के लिए हम क्या करेंगे, क्या करना होता है, मैं आपको बता दूं, इन स्पार्किंग को कम करने के लिए हम इन दोनों के साथ में क्या जोड़ेंगे, एक कैपेसिटर लगा देंगे इस कंडीशन में। तो ये कैपेसिटर क्या करेगा, ये जो स्पार्किंग होगी इस स्पार्किंग को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जो कैपेसिटर है हमारा श्रेणी क्रम में जुड़ा है या समांतर क्रम में जुड़ा है, वो आपको देखना पड़ेगा। तो कैपेसिटर हमारा किस कंडीशन में है, समांतर क्रम में कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, किसी बिंदु पर 20 विभव है, अनंत से इस बिंदु तक 0.5 कूलाम का आवेश लाने के लिए किया गया कार्य निकालना है हमें, ठीक है, वोल्टेज दे रखी है और हमें आवेश दे रखा है, अब हमें क्या निकालना है, किया गया कार्य निकालना है, मतलब W हमें निकालना है। तो W का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए वोल्टेज और आवेश के रिस्पेक्ट में किस तरह से होता है, तो आपको मैं बताना चाहूँगा। तो हमारे पास V बराबर होता है W बटा में क्यू, ये हमारा फॉर्मूला होता है वोल्टेज का। तो हम यहाँ से क्या है, जो W है हमारा ये होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो किया गया कार्य होता है, वर्क होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क होता है ये, ठीक है दोस्तों। तो हमें ये इलेक्ट्रिकल वर्क निकालना है, तो क्या करेंगे, क्यू इस साइड में आएगा हमारा, तो क्या बन जाएगा,
डब्ल्यू बराबर क्यू गुना में वी, ये कुछ फॉर्मूला बनेगा। अब हमें आवेश कितना दे रखा है, आवेश दे रखा है 0.5 गुना में वोल्टेज कितनी दे रखी है, 20 वोल्टेज दे रखी है हमें। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 100, एक के बाद पॉइंट लगानी है तो ये जीरो हट जाएगी हमारी, तो कितना बचेगा सिर्फ बचेगा 10 जूल हमारा क्या है कार्य हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे हम। कांच की छड़ को जब सिलक के कपड़े से रगड़ा जाता है तो तब किस प्रकार की विद्युत पैदा होती है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें ये क्वेश्चन क्या है, हमें जो बेसिक हमारी है 10th क्लास के अंदर भी क्या इस तरह के हम एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। और मैं बताना चाहूँगा इसके अंदर क्या होगा हमारे पास, जैसे कि अगर हम अपने हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो क्या होता है, एक चार्ज उत्पन्न होता है। तो वो चार्ज कौन सा होता है वह उसे देखते हैं, और ये सिल्क का कपड़ा है उसके ऊपर चार्ज होगा वो देखते हैं कौन सा होता है। तो आपको बताना चाहूँगा अगर हम सिल्क के कपड़े को छड़ को जब सिल्क के कपड़े से रगड़ते हैं तो हमारे पास स्टैटिक जो विद्युत है वो उत्पन्न होगी, स्टैटिक चार्ज उत्पन्न होगा। और जब हाथों को आपस में रगड़ते हैं तभी भी हमारा क्या है, स्टैटिक विद्युत उत्पन्न। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, ठीक है, स्थैतिक जो स्थिर विद्युत है हमारा वो उत्पन्न होगा इसके अंदर। इसके अंदर जो आवेश होता है हमारा, इसके अंदर जो हमारा चार्ज होगा वो क्या रहेगा, स्थिर रहता है इस कंडीशन के अंदर चार्ज। और हमारा डायनेमिक के अंदर क्या होता है, जो चार्ज होता है वो गतिशील होता रहता है। चार्ज इसके अंदर क्या होगा, हमारा गतिशील होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए हमारे पास स्टैटिक और गतिशील जो है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी है इनके बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, सही देखना है हमें कौन सा सही है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले जो हमें दे रखा है, मिली का मतलब आपको पता होना चाहिए 10^-3 होता है, और माइक्रो का मतलब आपको पता होना चाहिए 10^-6 होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरह से दे सकते हो। तो हम देखेंगे ऑप्शन डी पे चलते हैं, हम ऑप्शन डी को देखते हैं। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, माइक्रो दे रखा है 10^-6 जो है छोटा है 10^-3 से, तो ये कंडीशन सही है। 10^-3 बड़ी है, 10^-6 छोटा है, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी है जो कि सही होगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं। 1 वोल्ट निम्न जैसा ही होता है, किसके जैसा होता है 1 वोल्ट हम देखते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वोल्टेज का, अभी हमने फॉर्मूला देखा था, वोल्टेज का फॉर्मूला होता है डब्लू बटा में क्यू। हमारे पास ये वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, तो इसके अंदर जो डब्लू है वो हमारी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। तो एनर्जी की इकाई क्या होती है, जूल होती है। और क्यू जो आवेश है, आवेश की इकाई क्या होती है, आवेश की इकाई हमारी होती है कूलाम होती है। तो जूल बटा कूलाम हमें देखना होगा, तो 1 जूल ये तो नहीं होगा, 1 कूलाम ये भी नहीं होगा, जूल बटा कूलाम ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो कि सही होगा, ठीक है दोस्तों। काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस ही आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो आप ये जो हमारी डेली सीरीज़ रहती है इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की, वो डेली अटैम्प्ट करें, क्वेश्चंस को लगाएं, और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं भी आपका कितना स्कोर बना है, तो उसी हिसाब से क्या है बेस पे हम क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। तो और आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, एक आदर्श स्रोत धारा स्रोत दे रखा है हमें, मतलब करंट सोर्स हमें दे रखा है जो कि आइडियल करंट सोर्स है। इसकी कंडीशन मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पहले भी आपको करवाए हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो इसके अंदर क्या दे रखा है, एक आदर्श धारा स्रोत का शून्य होता है, शून्य क्या होगा धारा स्रोत का। तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि हमारे पास जैसे आइडियल करंट सोर्स है, मैंने ये करंट सोर्स बना दिया, ठीक है करंट सोर्स थोड़ा सा मैं सही से बनाता हूँ कुछ, ये मेरे पास क्या है करंट सोर्स है, ये करंट सोर्स है, इसके साथ में जो मेरा प्रतिरोध जुड़ा है इंटरनल प्रतिरोध, इंटरनल प्रतिरोध की वैल्यू कितनी होती है करंट सोर्स के अंदर, ये होती है इनफिनाइट, ठीक है इनफिनाइट होती है मेरे पास इंटरनल प्रतिरोध। तो इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा है शून्य क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए जो हमारे ये रजिस्टेंस है, तो जी बराबर हमारा क्या होता है 1/R होता है, ठीक है जी हमारा क्या है कंडक्टेंस है, चालकता है, तो 1/R होता है। तो इस केस में हम मान लेते हैं R है हमारा इनफाइनाइट, तो G क्या होगा, G जीरो होगा, R अनंत है तो G जीरो होगा, तो G क्या होता है कंडक्टेंस होता है। तो इस क्वेश्चन का जो शून्य क्या होगा जो कि हमें दे रखा है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा हमारा, मैंने आपको बताया G बराबर 1/R है, R अगर हमारा इनफाइनाइट है तो G हमारा क्या होगा शून्य होगा, ठीक है।
तो हमारा कंडक्टेंस है वो क्या होगा, शून्य होगा, इंटरनल कंडक्टेंस शून्य होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओम का नियम निम्न के बीच संबंध में जुड़ा हुआ है, किन किन के बीचों में ओम का नियम हम जोड़ते हैं, तो ओम का नियम हमारा किस किस के बीच में, आप सभी को पता है ओम का नियम क्या होता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई होता है ओम का नियम। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ओम का नियम आपको मैंने बताया है अभी, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा आई का। ठीक है, ये होता है ओम के नियम का। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास दिखाई दे रहा है वोल्टेज और करंट होना चाहिए, तो हमें ऑप्शन नंबर सी हमें दिखाई दे रहा है, धारा और वोल्टेज होता है वो ओम का नियम होगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी जो कि सही होगा। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, आइडियल करंट सोर्स शुड हैव एक आदर्श धारा स्रोत में होना चाहिए। अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, तो आदर्श धारा स्रोत के अंदर क्या होना चाहिए, मैंने आपको क्या बताया है, जैसे कि मैं मान लेता हूँ ये मेरे पास करंट सोर्स है, यहाँ पर मेरे पास प्रतिरोध है। ठीक है, इंटरनल प्रतिरोध है, तो इंटरनल प्रतिरोध की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई है, इनफाइनाइट होती है। तो देखते हैं ये कहीं मिलता है क्या, जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, ये नहीं होता, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस, हाँ जी ये वैल्यू हमारी सही रहेगी, ऑप्शन नंबर बी है जो कि राइट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा इस टाइप के क्वेश्चन का। और थोड़ा अलग बताता हूँ मैं इसमें, ये हमारा है करंट सोर्स की बात चल रही है, अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स की बात आ जाए, आपके पास अगर आइडियल वोल्टेज सोर्स हो, ठीक है दोस्तों, अगर आपके पास वोल्टेज सोर्स हो तो क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होता है, जो मेरे पास आर इंटरनल बनेगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात, आइडियल वोल्टेज सोर्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होता है, करंट सोर्स के अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये दे रखा है हमें, कॉन्स्टेंट टेंशन में शामिल होता है, इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा देखते हैं। तो आपको मैंने ये क्वेश्चंस करवा रखे हैं, ये इसकी थ्योरी भी मैंने आपको करवा रखी है, तो हमारे पास जो दे रखा है कॉन्स्टेंटन जो है उसके अंदर हमारे पास तांबा और निकल मिलाया हुआ होता है, इन दोनों का मिश्रण करके ही हम क्या है ये बनाते हैं। ये कॉन्स्टेंटन क्या होता है हमारा, एक ये प्रतिरोध बनाने के लिए बहुत अच्छा काम आता है। ठीक है, प्रतिरोध हम बनाते हैं, रेजिस्टेंस बनाएंगे, उसके लिए ये धातु जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है, क्योंकि इसका जो तापक गुणांक है काफ़ी कम होता है, आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमें, सामग्री जिसका प्रतिरोध गुणांक शून्य तापमान है, मतलब इसमें से एक बताना है हमें, जिसका तापमान जो गुणांक है, तापक गुणांक है, टेम्परेचर कोफिशेंट है, शून्य होगा। शून्य तो नहीं होता मानता हूँ बात में, शून्य कभी नहीं हो सकता, लेकिन कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर होगी। तो हमारे पास शून्य तापमान गुणांक के नज़दीक कौन सा होगा, मैग्नीन जो कि है शून्य तापमान गुणांक के नज़दीक होता है। तो दोस्तों प्रतिरोध बनाने के लिए सबसे अच्छी, अगर आपको पूछे सबसे अच्छी मेटल कौन सी होगी, तो वो हमारी होगी मैग्नीन, से सबसे अच्छा प्रतिरोध बनता है, क्योंकि मैग्नीन का जो तापक गुणांक होता है वो होता है 0.0004, इस तरह से कुछ इसका तापक गुणांक होता है, और बटा डिग्री सेल्सियस, ये हमारा तापक गुणांक की अगर इकाई पूछ ले आपको, टेम्परेचर कोफिशिएंट की इकाई क्या होगी, तो ये होगी बटा में डिग्री सेल्सियस, एक बटा में, इस तरह से क्या तापक गुणांक की इकाई होती है, तो कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऑप्शन होगा मैग्नीन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन शायद आपको स्क्रीन पर नहीं दिखा दे रहे, तो उम्मीद करता हूँ जहाँ तक हमने क्वेश्चंस किए हैं ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए हैं सारे क्वेश्चन। अगर इनकी पीडीएफ आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और जो कि आपको हमने अपना टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है डिस्क्रिप्शन के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम ग्रुप को, इस टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर डेली वीडियो आपको मिलती रहेगी, और जो भी आपको पीडीएफ की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं। तो अच्छा लगा दोस्तों आपसे मिलकर, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिलते हैं, धन्यवाद।